जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे, आप सभी मकर राशि वालों का अपने इस खास कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत करता हूं। आप सबों का जो प्यार मिल रहा है वो मुझे इसी प्रकार मिलता रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मित्रों, आज मैं एक नई खुशखबरी लेकर के आया हूँ। जी हाँ, चार चार ग्रह है, चार चार ग्रह मिल करके बनाने जा रहे हैं जबरदस्त राजयोग। मित्रों, आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उछाल आने जा रहा है, बहुत बड़ी बरकत होने जा रही है, बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। और इस सूचना को आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे और इस पीरियड का आप लाभ ले पाएंगे, क्योंकि पहले से जान लेने पर आप आने वाले समय का उचित लाभ लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो मित्रों, वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले दो आवश्यक बातें। सबसे पहली बात ये कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने कुंडली में गुरु शुक्र राहु शनि की स्थिति चेक कराना चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, फीस आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब किए वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, क्या था कि अभी तक पंचम भाव में यानी वृषभ राशि में सूर्य और गुरु चल रहे थे गुरु राशि परिवर्तन के बाद। फिर 19 मई को शुक्र भी आ गए, जिससे कि शुक्र और गुरु का मालव्य योग बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तो तीन ही ग्रह दिख रहे हैं, लेकिन 31 मई को बुध भी आ जाएंगे वृषभ राशि में, जिससे कि बुध और सूर्य का बुध आदित्य नामक राजयोग बनेगा। मित्रों, ये दो दो राजयोग मिलकर के आपके जीवन को अपार सफलताओं में ले जाएंगे और आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे और आपकी जो है कि तरक्की करेंगे। और मित्रों, जब ऐसा समय कभी आता है भाग्यवश, तो उस समय का लाभ लेने में पीछे नहीं रहा जाता। ऐसे पीरियड में अपने सोचे हुए काम को अंजाम देना चाहिए, और दूसरी बात, अपने जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं जो कि आप अभी तक नहीं कर पाए थे, ऐसे कार्यों को करने की शुरुआत ये करनी चाहिए, क्योंकि इसी पीरियड में आपको ऐसे कार्यों में सफलताएं मिलती हैं। तो मित्रों, विलंब न करते हुए मैं आता हूँ मुद्दे पर कि आपको इस चार चार ग्रहों के राजयोग से क्या क्या मिलने जा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मित्रों, ये चतुर्ग्रही राजयोग आपके पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव होता है शिक्षा संतान का, पंचम भाव होता है शिक्षक योग का, पंचम भाव होता है अनुसंधान का, पंचम भाव होता है आपके इष्ट मंत्र सिद्धि का। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चार चार ग्रह मिल करके आपका आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू कर देंगे। आपका आत्मविश्वास चार गुना बढ़ेगा, जिससे कि आप अपने कार्यों को तेज़ी से निपटाना शुरू कर देंगे। भाई बहनों से जो रिलेशन खराब चल रहा था, वो रिलेशन आप खुद से सुधारना शुरू कर देंगे। आपके पास वो पेशेंस और वो बुद्धि आपकी आ जाएगी कि आप अपने बुद्धिमत्ता से अपने भाई बहनों के रिलेशनशिप को अपनी पटरी पर ले आएंगे। लव रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे और आप उस लव रिलेशनशिप को अच्छा नहीं समझ रहे थे, उससे बाहर निकलना चाह रहे थे, तो आप बाहर भी निकलेंगे। और साथ ही साथ यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को एक अंजाम देना चाहते थे, विवाह का रूप देना चाहते थे, तो इसके लिए आप खुद बढ़ चढ़ करके अपने माँ बाप से या लड़की के माँ बाप से या सामने वाले के माँ बाप से बातचीत करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने की पहल करेंगे। दूसरी बात, आप यदि किसी ऑफिस के मालिक हैं, बॉस हैं, तो अपने ऑफिस में जो बेकार कार्य करता है, जो लेंदी हैं, जो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, उनकी कटनी छटनी करना आप शुरू कर देंगे। दूसरी बात क्या है कि आपके इनकम में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, आपके करियर में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी,
आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, धन प्राप्ति के कई सोर्सेज आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा न कि कम होगा। नया अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए पार्टनरशिप में आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। पार्टनरशिप में ये काम आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। लेकिन पार्टनरशिप में अगर कोई काम शुरू करना है तो ये भाई आपसे एक बात कहूँगा कि इसके पहले अपनी कुंडली एक बार ज़रूर चेक करवा लीजिए आप, ठीक है। व्यापार में आपके वृद्धि होगी, दिन दूनी रात चौगुनी, व्यापारी गण काफ़ी मुनाफे में रहेंगे और काफ़ी अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपका बनेगा और बल्क में आपका माल बिकेगा, बल्क में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से युवा जो रोज़गार की खोज में हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, इंटरव्यू में वे असफल हो जा रहे थे, अब उन्हें इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और उन्हें रोज़गार प्राप्त होगा। कब? 12 जून तक, यानी कि अभी से लेकर के 12 जून तक आप लोगों के पास ये अवसर है, क्योंकि 12 जून को शुक्र वृषभ राशि से निकल जाएंगे। तो मित्रों, 12 जून तक आप जितना लाभ ले सकें आप लाभ ले लीजिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में, चूँकि जैसा कि मैंने बताया पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार समय है। किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलने में कोई दो राय नहीं है, सफलता मिलेगी और माता पिता की तरफ से आपको प्रशंसा भी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में आपका खूब मन लगेगा। और हाँ, आपकी फ्रेंडशिप्स का जो सर्कल है वो भी बढ़ने वाला है, अच्छे अच्छे आपको फ्रेंड मिलेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें किसी मतलब उनके प्रमोशन के चांसेज हैं और उन्हें कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है और उन्हें सम्मानित किया जा सकता है, और जिनका प्रमोशन रुका हुआ था उनका प्रमोशन भी आगे बढ़ने की संभावना है, सैलरी भी बढ़ने की संभावना है, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। आपके घर के सदस्य आपका पूरा सहयोग करेंगे, घर का माहौल काफ़ी आपके सपोर्ट में रहेगा, और इतना ही नहीं सोसाइटी का माहौल भी आपके काफ़ी सपोर्ट में रहेगा, लोग आपको सपोर्ट देंगे। और अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के प्रयास आपके बेकार जा रहे थे, तो आपके लिए विवाह के रिश्ते आएंगे और आपका विवाह होने की संभावना पूरी पूरी बन रही है, बशर्ते आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष न हो, क्योंकि गुरु चांडाल दोष विवाह में बहुत ही बाधक बनता है। और दूसरी बात मित्रों, घर में जो कलह कलेश का वातावरण बन रहा था वो कलह कलेश दूर होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप पर राहु की खराब महादशा चल रही है या शनि की खराब महादशा चल रही है, तो भले ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 100% मैच ना बैठे, इसी के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी कुंडली चेक करवाइए, ठीक है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था तो वो विवाद दूर होगा, और किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो उस बीमारी से आप बाहर निकलेंगे। तो मित्रों, ये चार चार ग्रह मिल करके आपके जीवन को सोने पर सुहागा बनाने जा रहे हैं, आप इसका पूरा आनंद लीजिए। और यहाँ पर आज का कार्यक्रम मेरा समाप्त होता है। जाते जाते एक बार फिर से कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।